लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के तहत 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 117 लोकसभा सीटों पर मंगलवार को होने वाले मतदान के लिए चुनाव प्रचार रविवार शाम को थम गया है। जी हां, और इस दौरान शीर्ष स्तर के नेताओं ने अपने उम्मीदवारों को जिताने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। जिन राज्यों में 23 अप्रैल को मतदान होगा उनमें गुजरात, केरल, गोवा, दादर नागर हवेली, दमन दीव शामिल हैं। ये ऐसे राज्य हैं जिनकी सभी लोकसभा सीटों पर एक साथ मतदान होगा और इनके अलावा असम की 4, बिहार की 5, छत्तीसगढ़ की 7, जम्मू कश्मीर की 1, कर्नाटक की 14, महाराष्ट्र की 14, ओडिशा की 6, उत्तर प्रदेश की 10 और पश्चिम बंगाल की 5 सीटों के लिए भी तीसरे चरण में वोटिंग होगी। इस चरण में अमित शाह, राहुल गांधी, मुलायम सिंह यादव, आजम खां, जया प्रदा और साथ ही आपको बता दें कि शिवपाल सिंह यादव, संतोष गंगवार और वरुण गांधी जैसे दिग्गज नेताओं की प्रति दाव पर होगी। तीसरे चरण का चुनाव प्रचार अब थम गया है और दिग्गजों ने अपने प्रत्याशियों के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। एड़ी चोटी का जोर लगाते सभी दिग्गज इसमें नजर आए और कई बड़े दिग्गजों की भी चुनाव प्रतिष्ठा दाव पर होगी। आपको बता रहे, लोकसभा चुनाव 2019 का दंगल, 117 सीटों पर मंगलवार को मतदान होगा और जिसमें राहुल गांधी, अमित शाह जैसे बड़े दिग्गज भी, उनकी प्रतिष्ठा भी दांव पर लगने वाली है।